Hi friends, welcome to my cooking channel. आज मैं बनाने वाली हूँ कुंदरू मसाला करी. इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कुंदरू इसे ऐसे काट कर रख लीजिए, चने का दाल 1 टेबलस्पून, मूंगफली बीजा, धनिया, थोड़ा सा इमली, लौंग पट्टा, इलायची 1 टेबलस्पून, तिल, थोड़ा मसाला, थोड़ा नमक, थोड़ा हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन पेस्ट, एक कटी हुई प्याज, एक कटी हुई टमाटर, थोड़ा धनिया पत्ता, दो कच्चा मिर्ची, थोड़ा चने का दाल, थोड़ा माश का दाल, राई, जीरा, दो सूखा मिर्ची, थोड़ा करी पत्ता. ये सब बघारने के लिए. चलो अब बनाना शुरू करते हैं. पहले स्टोव को जलाकर पैन को रख लीजिए. उसके बाद उसके अंदर मूंगफली भिंजा, चने का दाल और धनिया, लौंग पट्टा, इलायची सबको डालकर अच्छे से भून लीजिए. उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून तिल को डालकर अच्छे से भून लीजिए. इसके अंदर एक कच्चा मिर्ची को डाल लीजिए. ऐसे भूनने के बाद स्टोव को ऑफ कर लीजिए. इसे मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से पेस्ट जैसे पीसते हैं. ऐसे मिक्सी के जार में डालने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा इमली को डालकर पीसते हैं. ऐसा पेस्ट जैसा बनाकर इसे सेट रखते हैं. उसके बाद फिर से स्टोव जलाकर डेक्सी को रखते हैं. डेक्सी गर्म होने के बाद 3 टेबलस्पून ऑयल को डालते हैं. ऑयल गर्म होने के बाद इसके अंदर प्याज को डाल दीजिए. इसके साथ राई, जीरा, माश का दाल, सूखा मिर्ची, चने का दाल, ये बघार बीन सारे को डालते हैं. इसके बाद इसे अच्छे से तलने देते हैं. ऐसे थोड़े तलने के बाद इसके अंदर कुंदरू को डालते हैं. इसे अच्छे से मिलाकर थोड़ा देर ढक्कन रखकर पकने देते हैं. ऐसा पके तो प्याज भी पक जाएगा और ये भी पक जाएगा. थोड़ा देर ढक्कन रखकर छोड़ देंगे.
इसे और थोड़ा देर पकने दीजिए। उसके बाद इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट को डाल लीजिए। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मसाला, स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिलाकर पकाते हैं। उसके बाद इसके अंदर टमाटर को डाल लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। अब इसे ढक्कन रखकर थोड़ा देर पकने देते हैं। इसके बाद इसके अंदर धनिया पत्ता को डाल लीजिए। इसके बाद इसके अंदर ये पेस्ट को निकाल कर पूरा डाल लीजिए। इसके बाद इसे अच्छे से मिला लीजिए। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी को डाल लीजिए। आप जितना चाहिए उतना पानी इसके अंदर डालकर थोड़ा देर पकने दीजिए। इसे थोड़ा देर पकने दीजिए। कुंदरू पकने तक इसके अंदर ये स्टफिंग पूरा जाने तक इसे अच्छे से पका लीजिए। थोड़ा देर ढक्कन रखकर इसे अच्छे से पकने देते हैं। इसे 5 मिनट्स पका लीजिए। रेडी हो गया कुंदरू मसाला करी। अब स्टोव ऑफ कर लीजिए, इसे एक बाउल में निकाल लीजिए। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल लीजिए। कुंदरू मसाला करी रेडी। कैसा लगा फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय फ्रेंड्स।